और ईस्ट ट्रायंगल सीरीज का भगती का सेवा चाकरी करने के लिए सभी तीर्थ आए थे, तो ये गलत सब तीर्थ है। गंगा सिंधु सरस्वती जयती वेदिका क्षिप्रा वेद्रवती
मंगलम पूर्वन्तु नो मंगल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पुष्प चढ़ा देवे आठ मंदिर पुष्पांजलि कर दे भगवान की। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। शुकाचार्य जी महाराज इस भागवत में प्रवेश करें। इस भागवत में भगवान विराजमान है, जो घर है ये प्रवेश स्थली भगवान। जैसे हम संसार में खेत में ऑफिस में दुनिया में काम करके और अपने घर में आते हैं। एक बार फिर से बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान बोलो श्री गौ माता की। प्रभु प्रेम को प्राप्त करें। आदे जय जय श्री राधे। हाँ नारायण नारायण नारायण। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ शुभारंभ हुआ है शास्त्री नगर अजमेर में। लगभग अभी ये कोविड का जो ये प्रकोप रहा उसके मध्य में सब ये कार्यक्रम एक तरह से रद्द हो गए थे, स्थगित हो गए थे। और लगभग दो वर्ष बाद ये फिर से इस अजमेर में रौनक आई है। सभी बहन भाइयों का बड़ा उत्साह है, सभी सम्मिलित हुए हैं। और एक कहावत भी है कि एक राशि वाले दो एक साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसे कृष्ण और कोरोना की राशि एक ही है। तो मेरा विश्वास है और अनुभव भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जहाँ कृष्ण है वहाँ कोरोना नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम है सर्व रोग वैद्य, भव रोग वैद्य है भगवान, स्वयं परम वैद्य है। सब दोषों का दुखों का रोगों का इलाज करने वाले भगवान का यहाँ पर स्थापन हुआ है श्रीमद् भागवत के रूप में। और ऐसी विप्रमंडली श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के सानिध्य में ये सब उपासक हैं निम्बारक पीठ के इस अजमेर क्षेत्र में, ये धार्मिक क्षेत्र में। तो यहाँ इन सभी के सहयोग और उत्साह और आशीर्वाद के साथ ये भगवान की भक्तिमय गाथा भक्तिमय महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा कलिकाल का बड़ा सरल सरस और शीघ्र कल्याण करने वाला साधन है। केवल इसे सुनना है। मेरा सभी बहन भाइयों से इस चैनल के माध्यम से आप सभी से आह्वान है, अजमेर वासियों से और बाहर भी जो से सुने वो शीघ्र से शीघ्र इस लाभ को लेवें, वंचित न रहें, खूब उत्साह से इसमें भाग लें। खूब व्यवस्था है यहाँ आयोजकों का, खुड़ा बड़ा उत्साह है सभी मिलकर के। और बड़े एक आनंद की बात यह है कि इस कथा का आयोजक कोई व्यक्ति नहीं है, इस कथा की आयोजक स्वयं भगवती श्री राधा रानी है। हर की व्यवस्था की गई है, श्री राधा रानी है। ये 9 दिन तक चलेगी, 9 दिन तक मतलब 9 तारीख तक, 9 दिसंबर तक चलेगी, सप्ताह कथा है। तो ये भगवती राधा रानी स्वयं इस कथा की आयोजक है। और हम देख भी रहे हैं कल बड़ा मौसम थोड़ा ढीला ढाला था, तो बड़ी शंकाएं थी कैसा होगा, परंतु अभी बड़ी कृपा किशोरी जी की बरस रही है। तो किशोरी जी स्वयं इस कथा की आयोजक हैं। और आप सभी बहन भाई इस भारतीय संस्कृति इस सनातन संस्कृति का स्तंभ रूप ये श्रीमद् भागवत गाथा भगवान श्री कृष्ण की गाथा प्रेम गाथा इस ज्ञान गाथा का रसपान करने के लिए इसमें अवगाहन करने के लिए आप सभी पधारें। मेरा इन चैनल वाले भैयाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस संदेश को आप तक पहुंचाने में माध्यम बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भूले नहीं और इस कथा रस का आज से ही भरपूर पान लें। लगभग 1 बजे से एक कथा रस पान का। आपका परिचय? मेरा परिचय तो यूँ है कि शरीर का परिचय कहूँ, मेरा परिचय तो क्या, एक संत हूँ। हमारे ऐसे ही मिले थे तो उनके पत्रकार मिले तो उन्होंने पूछा परिचय क्या है, तो उन संत ने उत्तर दिया भैया ये परिचय लिख लो, शरीर का परिचय तो ये है कि सदा मृत्यु में है और मेरा परिचय ये कि मैं सदा अमरत्व में हूँ। तो यूँ मेरा शरीर की दृष्टि से परिचय ही है कि शरीर की जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश है, माता पार्वती का जन्म स्थान है पीहर है, और शिमला से मैं इस शरीर को लेकर के आया हूँ जन्मभूमि से। और लगभग 1993 में श्री स्वामी राम सुखदास जी के सानिध्य में लगभग 10-12 वर्ष का
सुअवसर मिला, उनके चरणों में बैठ करके कुछ सीखा और वही आज इस अजमेर की जनता को, आप सब बहन भाइयों को बांटने का मुझे सुअवसर मिला है। तो उसी कड़ी में श्रीमद् भागवत गाथा के माध्यम से मैं जो कुछ संतों की प्रसादी है, भगवान का ही प्रसाद है, तो बांटता रहता हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? शास्त्रनगर में आज श्री कृष्ण स्वरूप भागवत महाभागवत का महायज्ञ प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सन्यासी संत श्री हरिश्चंद्र का 7 दिन तक यहाँ सबको भागवत का पुण्य प्राप्त होगा। इस निमित्त आज इसके प्रारंभ में कलश यात्रा इस पूरे क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा और निकली, जिसमें 185 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। शास्त्रनगर के भोलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर के इस कथा स्थल तक ये यात्रा बैंड बाजे और धूमधाम के साथ में आई। भागवतों कथा को हमारे मुख्य यजमान श्री मधुसूदन शर्मा ने अपने सिर पर धारण करके यहाँ पर पहुँचाया और 7 दिन तक, आज से 9 तारीख तक शाम को 1 से लेकर 5 बजे तक इस भागवत महायज्ञ का आयोजन रहेगा। हमारा सभी महानगर के निवासियों से निवेदन है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त करें। ऐसा कथावाचक हमारे हरिश्चंद्र जी महाराज हैं और आप सन्यासी संत हैं, राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी आप इनको कह सकते हैं। इनका अपना न कोई आश्रम है, न कोई न कोई भेंट पूजा स्वीकार करते हैं, किसी भी प्रकार की भेंट वस्तु के रूप में, मुद्रा के रूप में नहीं, केवल मात्र पुष्प करते हैं। और ये मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले थे, लेकिन गत 22 वर्षों से राम सुखदेव महाराज के श्री चरणों में रहे और उन्हीं के अनुरूप, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आज ये ज्ञान एक के सबको बांटते कर रहे हैं पूरे नगर में। सम्मान सिंह।